शुद्ध प्लस पान मसाला पेश करते हैं आज की बड़ी खबरें। ये कहावत तो आप बचपन से सुनते आए होंगे कि अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इनडीड। भारत इस कहावत में सटीक बैठता नजर आ रहा है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि वो देश कह रहे हैं जिनको कोरोना नाम की जानलेवा वैश्विक महामारी से लड़ने में भारतीय सरकार का साथ मिला है। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने हाल ही में कोविड-19 से निपटने में भारत को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के लिए अपने देश के अनुरोध को मंजूरी देने पर धन्यवाद दिया। अब्दुल्ला शाहिद ने एक ट्वीट में कहा, भारत सरकार को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के लिए मालदीव के अनुरोध को मंजूरी देने के लिए धन्यवाद, जिसे कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में गेम चेंजर कहा जा रहा है। जरूरत में काम आने वाला दोस्त वास्तव में दोस्त होता है। बता दें कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का प्रयोग आमतौर पर मलेरिया के लिए किया जाता है, लेकिन इस दवा को कोरोना वायरस से निपटने में उपयोगी माना जा रहा है और भारत इस दवा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। सूत्रों की माने तो भारत ने अब तक हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के लिए 13 देशों की पहली सूची को मंजूरी दे दी। इस सूची में USA, स्पेन, जर्मनी, बहरीन, ब्राजील, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, मालदीव और बांग्लादेश शामिल है। हालांकि USA ने HCQ की 48 लाख गोलियां मांगी, लेकिन भारत ने सिर्फ 35.82 लाख गोलियां ही मंजूर की। इसके अलावा बांग्लादेश को HCQ की 20 लाख गोलियां, नेपाल को 10 लाख, भूटान को 2 लाख, श्रीलंका को 10 लाख, अफगानिस्तान को 5 लाख और मालदीव को 2 लाख गोलियां भेजी जाएंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया था। एक ट्वीट में उन्होंने HCQ के फैसले पर भारत और भारतीय लोगों को धन्यवाद देते हुए कहा कि इसे भुलाया नहीं जाएगा। इसके अलावा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी दवा भेजने के लिए भारत को धन्यवाद कहा था। नेतन्याहू ने गुरुवार शाम एक ट्वीट में कहा, मेरे प्यारे दोस्त नरेंद्र मोदी, इजराइल को क्लोरोक्वीन भेजने के लिए धन्यवाद। परिस्थितियां जहां पूरी दुनिया में बिगड़ी हुई, वही हालात तो खुद भारत के भी ठीक नहीं। देश में कोरोना संक्रमण के अब तक 7,447 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, वहीं कुल मौतों का आंकड़ा 239 तक पहुंच गया है। लेकिन इन हालातों में भी खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचकर भारत ने न सिर्फ अपनी दरियादिली दिखाई है, बल्कि कुछ महत्वपूर्ण देशों के साथ को हमेशा के लिए कमा लिया है।